हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका ब्रह्मास स्टडी में। तो तीन का तड़का में आज हम बेसिकली फिर से तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो डेली की हमारी होती हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी OIC को लेकर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को। ठीक है, तो देखिए इनकी 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग सेशन हुआ। ठीक है, तो उन्होंने उस सेशन में क्या किया कि एक रेजोल्यूशन और एक उन्होंने रेफरेंसेस रखे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ठीक, तो जैसा हमको पता ही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जहाँ उसको मौका मिलता है वो कश्मीर की बात करता रहता है। ठीक है, बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो अगस्त 5, 2019 के बाद से उसको जितने भी प्लेटफॉर्म मिले हैं हर एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। ठीक है, तो उसी अपनी लेगेसी को फॉलो करते हुए फिर से उन्होंने भाई OIC को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो, और OIC में बहुत दिन से लगे भी हुए थे कि भाई कुछ इस तरह का एक चीज़ आए। ठीक है, तो उसी पे एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया उन्होंने। ठीक, अब इस पे ऑब्वियस है कि इंडिया को पसंद नहीं आएगा, तो इंडिया बुरी तरह से लैश आउट हुआ। ठीक है, कि इंडिया ने बोला कि OIC का कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है इस मैटर पे, और ये जो मैटर है कश्मीर का कम्प्लीटली जो है इंटरनल टू इंडिया है। ठीक, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है यूनियन टेरिटरी है हमारी। ठीक है, हमारी बाउंड्री के तहत है और इंडिया एक सोवरन नेशन है, तो ये कम्प्लीटली इंटरनल टू मैटर इंडिया है, जिसमें OIC का कोई भी लोकस स्टैंड आई नहीं है, मतलब OIC कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी देश के अंदर के मामले में, आंतरिक मामलों में दखल देना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो हम इसमें, ये हमारे लिए न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से करता आया है और आगे भी करता रहेगा, और इसी तरह हम उसका जवाब देते रहेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, OIC इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो OIC, देखिए तो OIC बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में बनी। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 57 मेंबर्स हैं। तो एक ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN। ठीक है, तो UN में कुछ 195 ऑड मेंबर्स हैं और इसमें 57, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई UN के बाद जिसमें इतने इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये UN के बाद सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो OIC है वो क्या करती है, तो OIC बेसिकली है कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, तो वहाँ जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं सारी मिलके उन्होंने एक अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है, और अपनी एक जो स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरा अपना फोरम बनाया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली सारी ही आपको मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक, तो अगर इसमें इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का क्या, इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है OIC में। ठीक है, हमें अभी भी OIC में परमानेंट स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, हम OIC के मेंबर नहीं हैं अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है। ठीक है, तो इसके बाद भी हम सिर्फ OIC के अभी भी मेंबर नहीं हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं, और ये फ्यूचर में भी होना बहुत ही मुश्किल है जब तक पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसमें है, तो इंडिया और पाकिस्तान किसी भी बड़े फोरम का एक साथ मेंबर हों ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हालांकि जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने अभी बहुत ही OIC को भी बहुत धमकियाँ दी कि हम एक अलग ग्रुप बना देंगे, खैर वो तो एक अलग इशू है, फिलहाल हम जानते हैं भाई OIC के बारे में ही। तो ये कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की। ठीक, दूसरा कि भाई OIC क्या है, एक परमानेंट डेलीगेशन है, OIC का एक परमानेंट डेलीगेशन है टू द UN एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक, और इनका परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है वो जेदा सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया का इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सी रहता है OIC में। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने देखा भी था कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन के बाद भी सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एज अ चीफ गेस्ट इसमें OIC में इनवाइट किया था और वो रिटेन भी किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद भी। ठीक है, तो ये इससे हम देख सकते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बाहर कितनी अच्छी है। ठीक, तो फिलहाल हमने OIC के बारे में जाना कि भाई ये 1969 में बनी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, UN के बाद सबसे बड़ी है और मुस्लिम वॉइस को ये बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, और ये इंडिया इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। ठीक, ये कुछ नेशंस हैं जो मेंबर हैं। ठीक है, ये हमें देखने हैं, तो मेंबर इसके 57 है। ठीक है, तो 57 मेंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा मेंबर है, मेंबर पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आ सकता है भाई कि OIC जो है वो कैसी बॉडी है। ठीक है, इंडिया का इसका मेंबर है, ऐसे 2-4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया ने इनको बुरी तरह लैश आउट किया इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। ठीक है, दूसरा हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR मेथड।
ठीक है। तो देखिए ड्राई स्वैब RT-PCR मेथड को अप्रूवल दे दिया है ICMR ने, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस में दोबारा हमें सर्ज देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग ही टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। जैसा कि बोला था WHO ने कि जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा सेफ होंगे ये कोविड की बीमारी से, ठीक है। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसी में आगे देखते हुए एक बेहतरीन कदम उठाते हुए ICMR ने अप्रूव किया है ड्राई स्वैब डायरेक्ट RT-PCR टेस्ट, ठीक है। तो हम जानेंगे भाई ये टेस्ट क्या है, प्लस इतना अच्छा क्यों है ये। तो जैसा कि हम RT-PCR तो जानते ही हैं, ठीक है, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है RT-PCR में, एक सेकंड, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली देखिए स्वाब टेस्ट होता है, ठीक। तो यहाँ से स्वाब टेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से सैंपल निकाल लिया हमने। तो RT-PCR में क्या होता है, RT-PCR बेसिकली हमारा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है किसका, RNA का इंटू DNA, ठीक है। RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA इंटू DNA, ठीक है, और एम्पलीफाई करता है स्पेसिफिक DNA टारगेट को। तो ये हमारा इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, यानी RNA को DNA में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई कोरोना वायरस जो है एक RNA है, RNA वायरस है ये, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ता है, हाँ। तो देखिए अब इसमें हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके इसको किया, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि भाई एक RT-PCR टेस्ट एक काफ़ी लाइमलाइट में रहा और एक रहा एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो RT-PCR हमारा ज़्यादा एक्यूरेट रहा एंटीजन से, ठीक है। एंटीजन हमारा एक्यूरेसी में कम रहा पर फास्ट बहुत था। एंटीजन में आपको एक घंटे से भी कम में रिजल्ट मिल जाता है, RT-PCR में वहीं 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो इन मामलों में अगर टाइम वाइज देखा जाए तो RT-PCR अच्छा था एंटीजन से, पर अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो RT-PCR बहुत ज़्यादा अच्छा था एंटीजन से। टाइम वाइज एंटीजन अच्छा था RT-PCR से, ठीक है। तो हमें फिलहाल एक्यूरेसी हमारे लिए ज़्यादा मैटर करी है इस मैटर में, और इसीलिए हमने RT-PCR को ज़्यादा अपनाया रादर देन एंटीजन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको कि RT-PCR क्या होता है। यहाँ पर जो न्यूज़ है हमारी कि ड्राई स्वैब को हमने अपनाया है, तो हम जानेंगे भाई ड्राई स्वैब क्या होता है और पहले कौन सा इस्तेमाल करते थे हम। तो पहले देखिए हमारा जो RT-PCR के तहत क्या होता था, सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, जो स्वैब टेस्ट करके सैंपल कलेक्ट किया उसको एक लिक्विड से मिलाया, ठीक है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम VTM कहते हैं, उस लिक्विड से मिलाकर उसको रखते थे, ठीक है। उसमें मिला दिया, उस पूरे जो भी हमारा स्वैब सैंपल था उसको उस लिक्विड में मिला दिया, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, भाई लीकेज होती थी, ठीक है, और उनको हैवीली पैक करना पड़ता था, ठीक है, कि कहीं लीकेज ना हो जाए, और वहाँ से उनकी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसी में कदम उठाते हुए कि भाई हमें ऐसा कुछ करना है कि भाई हम सिर्फ सीधे सीधे स्वाब को टेस्ट कर लें, ठीक है, जो हमारा स्वाब निकलता है उससे, स्वाब टेस्ट से जो सैंपल निकलता है उसको सीधे टेस्ट कर लें, रादर देन कि हमें उनको भाई VTM में कोई लिक्विड मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे हमें लीकेज की प्रॉब्लम भी ना झेलनी पड़े, ठीक। तो इसी में हुआ कि भाई डायरेक्ट स्वाब टेस्ट आया, ठीक है, एक वेरिएशन है ऑफ द एग्जिस्टिंग ओल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR मेथड का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, कलेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है नेजल स्वाब इन ड्राई स्टेट, ठीक है, वही बात कि भाई इसको ड्राई स्टेट में ही ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक, जिससे हैंडलिंग इजी हो जाएगी और लेस प्रोन रहेगा स्पिलेज के, ठीक है। तो स्पिलेज नहीं होगी और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं होगा कि भाई आपका, अब सपोज़ कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसका सैंपल ही पूरा स्पिल हो गया, तो जो नहीं भी थे इन्फेक्शन में वो भी आ जाएंगे। अब इस मेथड में क्या होता है कि स्टेप ऑफ RNA आइसोलेशन फ्रॉम द सैंपल हैज़ बीन ओमिटेड, ठीक है, RNA आइसोलेशन भी ओमिटेड हो गया इसमें, ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है एक सिंपल प्रोसेसिंग, जिससे ये काफ़ी फास्ट भी है और आसान भी है, ठीक। तो इसके बेनिफिट्स हैं कुछ कि भाई इसकी एक्यूरेसी तो 97% है, एक सेकेंड, इसकी एक्यूरेसी 97% है, ठीक है, तो अच्छी खासी एक्यूरेसी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, 40-50% टाइम में भी जल्दी है और प्लस सस्ता भी है, ठीक है, 40-50% सस्ता भी है और जल्दी भी है, ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और हमारी जो एग्जिस्टिंग जो मैन पावर है वो इसको आराम से, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और ये टेस्टिंग को रैंप अप करने में भी बहुत कारगर रहेगी, ठीक है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हम 8,00,000, 9,00,000, 10,00,000 तक टेस्टिंग हमारी गई, ठीक है, तो इसको और बढ़ा सकते हैं, जिससे हम इस जो पैंडेमिक है इससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकते हैं, ठीक है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, ठीक। तो ये हमारा ड्राई स्वाब टेस्ट था, ठीक है, इसको ICMR ने अप्रूवल दे दिया है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। तीसरी हमारी है कि भाई वियतनाम को लेके हमारे, देखिए वियतनाम से इंडिया की बातचीत हुई, अभी कुछ उनके साइन हुए, एग्रीमेंट हुए, ठीक है, सिक्योरिटी को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, वियतनाम की लोकेशन, ठीक है। तो देखिए वियतनाम ये है, वियतनाम, ठीक है, ये साउथ चाइना सी है उसके बगल में, ठीक है, अगर वियतनाम के ईस्ट में देखा जाए तो साउथ चाइना है, ठीक है,
अगर इधर देखा जाए साउथ वेस्ट में तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी बहुत लाइमलाइट में है, ठीक है। यहाँ इसके अगल बगल सारे आइलैंड देख लीजिएगा, पराशल आइलैंड हो गए, ठीक है, इससे स्प्रेटली आइलैंड हो गया, तो बहुत सारे आइलैंड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9-line भी इधर ही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो देखना है हमें, ठीक। तो वियतनाम की लोकेशन ये है, वियतनाम देखना है बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, कंबोडिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है, लाओस से कर रहा है और चाइना से कर रहा है, ठीक है। तो वियतनाम की हमने लोकेशन देख ली बेसिकली कि भाई साइड में इनके गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ठीक, और इधर इनका साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो लोकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर। तो ये और इनकी कैपिटल कौन सी है, हनोई, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल हनोई। तो ये आज की हमारी तीन का तड़का में बहुत तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। तो बताइए अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।